हाय गाइस, क्या हालचाल। बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक नया टेक वीडियो लेके आया हूँ। तो उसमें आज आपको एक ऐसी चीज़ का मतलब रिव्यू देने वाला हूँ, और उस चीज़ को अभी आने वाले दिनों में सभी गृहिणी को लगने वाला है, क्योंकि आजकल हमें ना बहुत लेजी होती जा रही है। सो दैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रिसेंटली डेवलप्ड बाय द टेक्स। तो उसका नाम है LG डिशवाशर। लेकिन मैंने LG क्यों कहा, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिशवाशर एज ऑफ नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। तो इस LG डिशवाशर की खासियत है, देखिए उसमें 14 प्लेस का रैक है, ओके 14 प्लेस सिटिंग, और इसमें वाईफाई सिस्टम है। आप मीनू बैठ के वाईफाई से भी आप इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उसमें कितना साइकिलिंग चल रही है, रिंसिंग कब हो रही है, वाश कब हो रहा है। और दूसरी बात, इसकी और एक स्पेशल खासियत है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है और स्टेनलेस स्टील प्लैटिनम सिल्वर कलर है। और उसकी और एक खासियत है स्टीम टेक्नोलॉजी। मतलब सी, ज़्यादातर जो हम बर्तन धोते हैं उसको जो ग्रीस है, ऑयली है, वो निकलते हैं, लेकिन इसमें आज एक टेक्नोलॉजी स्टीम टेक्नोलॉजी, ताकि उसमें से जितना भी ग्रीस ऑयल है वो निकल जाती है। और मैं इसको आपको सब लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी ये दिस इज़ स्टार्टिंग, तो कैसे उसको इसमें बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, उसको कैसे फिटिंग करनी है, ओके और उसमें मतलब किचन भी आप फिटिंग कर सकते हो, फिर उसको आउटलेट कैसे देना है। फिर दूसरी बात, इसमें तीन चीज़ें लगती है, एक सॉल्ट लगता है, एक रिंसेड लगता है, और दूसरा डिशवाशर लगती है। तो डिशवाशर अमेजोन फ्लिपकार्ट से मतलब ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे फॉर्च्यून है, मैं अभी फॉर्च्यून का यूज़ करता हूँ, जैसे बोश का है, ऐसे अभी विम ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, ये तीनों चीज़ों आपको कंपलसरी लगता है। ऐसा नहीं कि आपको डिशवाशर ला दिया, उसको खाना खन मतलब सब डाल दिया, जैसे अपने क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन की तरह, ऐसा नहीं होता। उसको सिस्टमेटिकली रखना पड़ता है, नहीं तो आपका क्या लगेगा, ये डिशवाशर है, चलो जो भी बर्तन है उसको फेंक दो, नहीं, रॉन्ग। तो इसीलिए वो कैसे रखना है, उसमें देखिए कटलरी को कहाँ रखना है, और एक चीज़, उसमें फैंस होते हैं, जो फैंस इसलिए होते हैं कि उसमें से वाटर स्प्रे होता है 3D से, तो वो कहीं उसको देखना है नीचे, वो सब मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। तो गाइस, मैं आपको इसका लाइव मतलब स्टार्टिंग से लेके इसकी लाइफ मतलब साइकिल रहती है, वो भी साइकिल में दिखाने, और फिर उसके बाद धोने के बाद ये कितनी चमकाती है वो भी आपको दिखा। तो गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते, हम इस वीडियो को आपको आगे लेके जाते हैं। तो थैंक यू, लेट्स गो। मैंने जो बताया था डिशवाशर, जो LG डिशवाशर का ये जो ब्रांड है, LG लाइफ इज गुड डिशवाशर, और ये जो मॉडल है, स्पेसिफिक मॉडल है, और इस मॉडल का डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर। तो आप DFB 424FB सीरियल नंबर के साथ है। तो आप इस डिशवाशर का अभी हम रिव्यू करने जा रहे हैं, और इसका मतलब अनबॉक्सिंग भी करने जा रहे हैं। तो मैं इसका अभी आपको, तो गाइस देखिए, मैं इसको उठा रहा हूँ, ओके इस कवर को, राइट, ये कवर, इसको हम बाजू रखते हैं, ओके, और ये कुछ थर्माकोल दिया है। तो गाइस, ये है LG डिशवाशर, जो डिशवाशर हमने अमेज़ॉन से लिया था, और आप देख रहे हैं इधर मतलब ये जो ब्रांड है, यहाँ बहुत सारे ऐटो इंटेंस है, तो इसमें है ना, तो स्टीम साइकल्स, इसमें डेलिकेट, रिफ्रेश, इको, टर्बो, हाँ, डाउनलोड साइकिल, और इधर है ना, ये जो सिंबल है, ये आप जो हमारा जो रिंसेड है उसके लिए, और यहाँ सॉल्ट है, ये आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ये वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो, फिर ड्यूअल जन, तो ये सब चीज़ें इसमें है, ओके। तो मैं इसको अभी आपको दिखाऊंगा, ये ऐसी खुलती है, बराबर आप देख रहे हो इधर, तो इसमें देखिए ये यहाँ यहाँ आप पाउडर डाल सकते हैं। मैं पाउडर कैसे डालते हैं उसको भी मैं आपको दिखा के रहूँगा। और उसके बाद ये जो मैंने स्पेशल चीज़ बताई थी, ये स्ट्रीम्स है, तो देखिए टू स्ट्रीम, जब लास्ट साइकिल चलती है यहाँ से स्ट्रीम निकलती है, और ये जो चीज़ है, यहाँ आप रिंसेड डाल सकते हो, ओके, जो रिंसेड मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और दूसरी बात, ये देखिए ये जो चीज़ें हैं, यहाँ आप बड़ी बर्तन है, देखो ये सब आपको ऐसे इसको है ना, आप जब कोई भी प्लेट्स हो, ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, बड़ी बर्तन है तो इसको आप ऐसे मतलब आपके हिसाब से इसको आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ। तो आपको ये नहीं करना है, तो आपको कुकर वगैरह कैसा रखना है, ये अभी आपको मैं लाइव दिखा दूंगा ये सब चीज़ें, ओके। और ये जो नीचे का जो फैन है,
देखिए ये जो ब्लोअर है यहाँ से पानी ब्लो होता है, और ये जो चीज़ है ये सॉल्ट के लिए है। आप है ना, इसमें इंडिकेटर आएगा तो आपको इसमें सॉल्ट को डालना है। वो एक फनल होता है, फनल के हिसाब से उसको आप ये सॉल्ट को डालना है। और दूसरी बात आपको मैं दिखा दूँगा। ये जो जी मैंने जो आपको बताया था रिनसेड के लिए, ये है रिनसेड। हम ये फॉर्चून ब्रांड का रिनसेड यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये भी आपको ऑनलाइन में मिलेगा बहुत ही किफ़ायती दामों में। और आप इसको है ना, इसके ये इसे आपको फिल करना है। ये देखिए मैं अभी इसको डाल रहा हूँ। ओके, ये ऐसे धीरे से डालना है। धीरे से डालने के बाद यहाँ ओके, ये अभी भर गया। ओके, तो आपको धीरे से और थोड़ा चेक करना है। ये भर गया। ओके, अभी आप इसको बंद करना है। राइट, ये रिनसेड हो गया। और जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारा जो डिश वाशर है, तो वो डिश वाशर मैं आपको दिखा दूँगा। ये जो डिश वाशर है, देखिए ये डिश वाशर का सॉकेट है। तो ये है फॉर्चून का डिश वाचर। ये भी आपको पावर एंजाइम एक्शन के साथ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिलता है। ये आपको इसमें डालना है। तो इस मैं अभी इसको ये नहीं करूँगा, एक्चुअली हम डिब्बे में डाले हैं। तो इस डिब्बे से हमको क्या करना है, ये देखिए इसमें से ये चीज़ है। ये आपको इसमें 1 कप इनफ, इतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ओके, फिर इसको आप बंद करेंगे। राइट, ओके, तो ये चीज़ें हो गई। और मैंने जो आपको अभी बताया था सॉल्ट के लिए, ये देखिए भाई साहब, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट आप इस फनल के हिसाब से इसमें आप इसको करना है। और ये जो डिशवाशर का सॉल्ट है, क्योंकि क्या है, सॉल्ट बहुत ज़रूरी है सॉफ्टनर के लिए। देखिए सॉफ्टनर्स वाटर है 99% प्योरिटी। ये इसको क्या करना है, पूरे की पूरे 1 kg का है ये, इसमें आपको डालना है। ओके, ऑलरेडी मैंने डाला है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो अगले वीडियो में मैं अभी ये हम आपको ये है बंद करेंगे। और देखिए इसमें भी ये जो चीज़ है ये नीचे भी है। ओके, और कभी भी श्योर करना है कि कोई भी चीज़ को ना लगे, क्योंकि ये घूमता रहता है और पानी मारता रहता है। और दूसरी बात ये देखिए, अभी यहाँ आप इसमें बहुत सारे ये मतलब जो भी बर्तन है, जो भी कटलरी है, ये देखिए इसको आप ऐसा खड़ा करके यहाँ कटलरी लगा सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको दिखा, और एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो LG ये इसके साथ देता है कि जो भी कटलरी है ना, आप इसमें कटलरी मतलब चम्मच है, जो भी छोटे छोटे मोटे से, इसमें आप इसको रख के यहाँ रखते हैं। इसकी कभी कभी ज़रूरत नहीं लगती तो हम इसको साइड में रखते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे बर्तन रखते हैं। देखिए धोने से पहले ये बर्तन सब आपको मतलब बहुत गंदे रहेंगे। मैं आपको बर्तन दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं आपको ये बर्तन मैं आपको अभी इसमें कैसे रखेंगे ये सब मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए अभी मैं इसको यहाँ रखा। राइट, और प्लेट को रखना है तो अभी आपको प्लेट में ये प्लेट आपको ये ऐसे यहाँ रखना है, बराबर 1 by 1 धीरे से सब प्लेटें आपको यहाँ रखना है। ये देखिए ये मैंने इसको खड़ा कर दिया क्योंकि ये इसमें से इसे अच्छी तरह से इसको हम रख सके। देखिए ओके, ये सब चीज़ें आपको 1 by 1 है ना, इसको ऐसे रखना है, बराबर। और इसको स्पेस के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें 1 by 1 आपको रखना है। तो आप ये नहीं रख रहा है तो आपको ये क्या करना है, ये भी खड़ा करना है। खड़ा करके आपको यहाँ जहाँ भी स्पेस होता है वहाँ उसको एडजस्ट करना है, बराबर। तो और इसको मैं यहाँ ऐसा उल्टा, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना आपको उल्टी रखनी पड़ेगी क्योंकि नीचे से उसको पानी मारता है, बराबर। और हम आपको ये जो ग्लास वगैरह है तो इसको ये देखिए ये सब गंदा हुआ है। हाँ, तो इसको हम यहाँ ऐसे रखेंगे, बराबर। और मैंने जो आपको बताया था ये कटलरी वगैरह आप ऐसे
यहाँ रख सकते हैं, और ये जो ग्लास है इसको आप ऐसा उल्टा रखना कभी भी, ओके ये। और ये बाउल्स है, जो बाउल्स रखने के लिए बहुत अच्छी जगह दी गई है, यहाँ आप ऐसे बाउल्स रख सकते हैं, राइट। और ये जो मैंने कटलरी कहा, देखिए कटलरी, ये जो ऐसे आपको इसको हैंग करनी है, बराबर। ये देखिए, ये देखिए, ये सब गंदे हुए हैं, ये देखिए कितना गंदा है। ऐसा ही आप इसको रख सकते हैं, ऑयली ऑयली हो गया है पूरा, बराबर। ये देखिए, ये आप इसमें इसको रख सकते हैं, मतलब इजी है, थोड़ा आपको पहले इसको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। और देखो, देखिए इसमें ये रख दिया, और ये बहुत बड़ा ये है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको निकाल के आप इसको यहाँ ऐसे रखेंगे, बराबर। और फिर इसको यहाँ यहाँ ऐसे रखिए, बराबर। ये आप ऐसे इसको रख सकते हैं, बराबर। और ये जो इसमें आप ऐसे रखेंगे इसको, फिर इसको ऐसे रखेंगे। कोई भी चीज़ है ना, उल्टा रखना है, क्योंकि पानी का जो फोर्स है नीचे से आता है। ओके ओके, ये बाउल है, अभी मैं इसको नीचे रखूँगा। ये देखिए, ये मैं यहाँ रख लिया, बराबर। ये मैं यहाँ रख लिया इसको, बराबर। मतलब सिंपल है, ज़्यादा कोई तकलीफ़ वाली काम नहीं है, बराबर। ये मैं फिर यहाँ रख दिया, बराबर बराबर। ये देखिए, इधर इधर और स्पेस है, आप यहाँ रख सकते हैं ऐसे, कोई इसमें जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ आप इसको अच्छी तरीके से ऐसे सजा के रख सकते हैं, बराबर। तो आप इसको यहाँ भी ऐसे रख सकते हैं, फिर ये एक रह गया, इसको आप अभी इसमें रख दीजिए। तो ये काम हमारा हो गया, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखिए, अभी इसको आप श्योर करना है, देखिए ये जो है, हाँ, तो ये देखिए, ये किसी को नहीं लग रहा है, ओके। अभी हम इसको क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे, ओके। इसमें मैंने ऑलरेडी डिशवाशर पाउडर डाल दिया है, रिनसेट डाल दिया, ये दो चीज़ें करनी है, बाकी सब आपको सेट है अभी, ओके। तो और एक मैंने इसमें, आप कुकर भी डाल सकते हैं, ये देखिए, ये कुकर मैं बाद में डालूँगा, इसकी जरूरत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं, राइट। ये इसको हम अच्छी तरीके से क्लोज़ करते हैं, राइट। ये हो गया, हाँ। आपको ध्यान रखना है, ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अच्छी तरीके से इसको श्योर करना है कि ऐसे ऐसे कट, क्योंकि वहाँ का जो पानी का जो जो होस है उसमें टच होने, क्योंकि उस होस से पानी सभी जगह वो फ्लो करता है, फ्री फ्लो, ओके। अभी इसको हम क्लोज़ किया, राइट। तो क्लोज़ करने के बाद अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करने के लिए मैं देखिए, इसके लिए क्या है, 16 एम्पियर का ये लगता है, प्लग पिन लगता है, जो 16 एम्पियर का प्लग पिन आप ऐसे बड़ा वाला प्लग पिन आप इसको ये कर, ओके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने इसको चालू किया है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ ओके, ये स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअली सेफ्टी के हिसाब से मैंने, देखिए अभी इसको मैं ऑटो पे नहीं रखा, टर्बो, क्योंकि कोई भी इसमें आपको टर्बो भी ही रखना है इसमें, अवसर अवसर बहुत ये है। आप इको में रख सकते हो, फिर आप है ना ऑटो में रख सकते हो, ऑटो में रखे तो इसमें जो टाइमिंग है बढ़ जाएगा, 3 घंटे का टाइमिंग है, वो इतना नहीं चाहिए हमें। इंटेंस में रखेंगे तो फिर वो टाइमिंग बढ़ जाएगा, डेलिकेट में रखेंगे तो थोड़ा फाइन कम जाए, रिफ्रेश में सिर्फ क्या करते हैं, फिर सिर्फ पानी मारता है, बाकी कुछ नहीं करता, इसलिए हमको क्या करना है, टर्मो में डालना है, टर्मो डाल। ये देखिए अभी वाईफाई से कनेक्टेड है, LG का एक एप्लीकेशन आता है, ओके, वहाँ आप कनेक्ट करके इसको आप सिंक कर सकते हो, ओके। तो अभी तो मैंने अभी क्या किया है कि जब आप ड्यूअल जोन करते हो, ड्यूअल जोन करने के बाद क्या होता है कि आप दोनों साइड से, मतलब ऊपर से और नीचे से, आपको इसको ड्यूअल जम। तो अभी ये देखिए, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, आपको स्टीम चाहिए, तो स्टीम पे क्लिक करना है,
स्ट्रीम के क्लिक करेंगे तो इसमें टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हमको स्ट्रीम नहीं चाहिए। स्ट्रीम मतलब मतलब आप जब ज़रूरत पड़े, ज़्यादा चिकनाई हो तब आपको स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं स्ट्रीम को इसको बंद करूँगा। अभी मैं ड्यूअल जोन किया है, एक किया है। अभी देखिए यहाँ कोई लिंक नहीं आ रहा है, सॉल्ट का भी नहीं और रिंसेड का नहीं। ये रिंसेड और सॉल्ट का इंडिकेशन है। अब जब भी इंडिकेशन आएगा आपको ध्यान से देखना है और इसको फिल करना है। और ये जो इंडिकेशन आएगा ये ड्रम आपको फिर साफ करने के लिए आ जाएगा, ये बाद में आएगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी ये स्टार्ट हो गया क्योंकि पानी ऑलरेडी, इसका जो कनेक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो कनेक्शन है हमने अच्छी तरीके से, ये देखिए, ये यहाँ का एक ये इनलेट और ये वो आउटलेट है, ये इनलेट है। ये इनलेट का पाइप हमने यहाँ इसको ज्वाइन किया है। ये देखिए, ये आपको चाहिए ये चीज़ें। अभी इसमें से पानी चला जाएगा। ओके गाइज, मैं अभी आपको ये सब दिखा। अभी मैं ये धोने के बाद, बर्तन धोने के बाद मैं आपको इसका पूरा वीडियो करके दिखाऊंगा। तो अभी तक के लिए मैं आपको ये टाइमिंग अभी चल रहा है, टाइमिंग आपको दिखाई देगा इधर, एक घंटा और यू नो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो अभी वन आवर 38 मिनट। तो अभी ये आपको धीरे 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 ये कम होता जाएगा जैसे इसकी वाश शक्ल चलेगी। ओके गाइज, मैं अभी आपको दिखा दूँगा मोबाइल में इसको कैसे। ये देखिए, एलजी का एप्लीकेशन है, राइट। तो ये आपको ओके, हम इसको अलाउ करेंगे, लोकेशन के अलाउ कर दिया। ये आपको मैं दिखा दूँगा। अभी देखिए, ये टर्बो का ये चल रहा है। ये देखिए, अभी वाश साइकिल चल रहा है इधर, ये टर्बो है। अभी ये क्या है, वॉशिंग चल रही है। हाँ, आपको दिखाई दिया होगा इसमें। तो ये अभी कनेक्टेड है, ड्यूअल जोन हमने ड्यूअल जोन ऑन किया है, फिर स्ट्रीम नहीं किया हमने, हाई टेम्परेचर है। तो ये सब चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको पता चलेगा। मतलब ये आपको इंडिकेशन देगा कब वॉश ख़त्म हो गई है और कब आपको इसको निकालना है। तो ये है इसकी, थैंक यू। इसका जो साइकिल था, वॉशिंग साइकिल कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको धीरे से निकालेंगे। गर्म है भैया, भाई लोग ये देखिए। सो ये आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इसमें देखिए कितना क्लीन हुआ है सब। वाव, मस्त लग रहा है ना। ये देखो, यहाँ से अभी हम इसको है ना वन बाय वन इसको निकालेंगे, बराबर। तो पहले हम इसको यहाँ से यहाँ रखेंगे, बराबर। तो बराबर, तो ये देखना, ये देखो कितना क्लीन और कितना चमक रहा है। वाव, जैसे कि नया जैसा लग रहा है ना सब। ये देखो हम इसको अभी यहाँ रखेंगे प्लेट को। ये भी प्लेट देखना कितना सब ड्राई होके निकाला है, एवरीथिंग यू नो। यस, तो ये सब मैं निकाल रहा हूँ। ओके, ये भी निकाल दिया मैं। ये देखो प्लेट कितना देखो चमक रहा है ना। ये देखो कितना चमक रहा है ना। तो डिशवाशर बहुत अच्छा काम करता है। ये भी देखिए सब ड्राई होके अभी गरम गरम है। हाँ, गरम गरम लग रहा है। तो चिकनाई बिकनाई सब निकाल देता है इसका। और ये देखना, ये चटनी का मिक्सर मारा है। और ये देखिए कितना सब क्लीन, मतलब फटा एवरीथिंग, कुछ भी। ये देखिए सब कितना, ये था सब अंदर, एक एक कुछ भी नहीं रखा, सब क्लीन है। सब क्लीन करके निकाल दिया इसको हम अभी। तो अभी हम ऊपर का सेक्शन निकालेंगे। देखिए, मैंने एक्चुअली ये आपको दिखाई नहीं था, लेकिन मैंने बाद में रखा ये कुकर। ओके, ये मेरा स्टील का कुकर है और कुकर भी कितना अच्छा निकला है। ओके, कुकर को हम यहाँ रखेंगे, ग्लास। वाह, देखो नया जैसा लग रहा है पूरा, है ना। ये ग्लास, ओके। तो ये कुकर का भांडा, अंदर का जो हम इसके लिए लगाते हैं ना, उसके लिए। ओके, तो और कटलरी देखना, मैंने आपको बोला था कटलरी। ओके, कुछ भी
नहीं छोड़ा इसने, चमक रहे राइट। तो ये सब चीज़ें मैं अभी इसमें निकालूंगा, बाउल्स वगैरह देख लीजिए सब। ये बाउल्स एक ध्यान रखना है, जो एल्यूमिनियम के जो भी बर्तन रहते हैं ना, थोड़ा उसमें ध्यान रखना है आपको, बाकी जो भी स्टील का है ये देखिए बढ़िया सा क्लीन हुआ है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं राइट। ये हो गया, अभी देखो यहाँ से पाउडर, ये जो पाउडर था ना, यहाँ का पाउडर यूज़ हो गया है, और यहाँ से वो रिंस भी यूज़ हो गया, और ये स्टीम है। तो अभी ये अंदर का देखना कितना क्लीन और ये हो चुका है वहाँ। और आपको और एक ध्यान रखना है इसमें, जब भी कुछ अटकता है तो इसको आपको निकालना है। ये जो है ना, इसमें से थोड़ा गंदा रहता है, इसको आपको निकाल के क्लीन करना है ओके। ये जो मैंने आपको निकाला, ये देखिए इसमें जोड़ा थोड़ा अटका रहता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा इसको, इस फिल्टर को क्लीन करना है राइट ओके। देखिए भाई, ये मैंने अभी क्लीन किया, इसमें थोड़ा है ना जो वेस्ट है या कुछ भी इसमें अटक जाता है, कोई भी करी लीव्स हो या कुछ जिंजर का कुछ कुछ वेस्ट हो या कुछ भी बाल वगैरह हो या कुछ भी है इसमें अटक जाता है, तो उसको आपको क्लीन करना पड़ता है। तो अभी आपने क्लीन किया, तो अभी इसको आपको फिर ढक्कन ऐसे ही लगाना है। ये देखिए सिंपल है, ये देखिए ये ऐसा है ना, ये देखिए सिंपल सा लग गया अभी है ना। ये आपको निकालते वक्त ऐसा करना है, ओके दैट्स ऑल। सो ये आपको ध्यान में रखना है क्लीन करके बाकी चीज़ें। ये देखिए अंदर पूरा स्टेनलेस स्टील दिख रहा है आपको, पूरा स्टेनलेस स्टील है मतलब एलजी का पूरा, ऊपर से भी। और मैंने जो आपको बताया था जो होस है ना, वो देखिए अंदर वहाँ दिख रहा है, वो जो उसमें से पानी निकलता है, इसीलिए यहाँ इसको कनेक्शन है। तो आप जब आप इसको ढकेल देंगे ना हल्के से एक बार, यस, तो ये उसमें फिट हो गया राइट। तो ये आज का वीडियो था एलजी डिशवाशर का। ये किसी भी डिशवाशर के लिए सेम फंक्शन है, ओनली उसमें जो भी मतलब एक्स्ट्रा फंक्शन है, वाईफाई हो या स्टेनलेस स्टील हो, वॉशिंग प्रोग्राम्स हो, किसी में 5 प्रोग्राम रहते हैं, किसी में 6 रहते हैं, किसी में इसमें 9, इसमें 12 प्रोग्राम्स है, तो इसके लिए मैंने इसको ऑप्ट किया ओके गाइज। तो आज के लिए इतना ही बस। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये मेरा आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया, मेरा एक्चुअली बहुत दिन से मन था वीडियो बनाने के लिए इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी ये मैंने इसको अमेजोन से लिया था, तब आई थिंक मोर देन 54,000, अभी इसका रेट बहुत कम हो गया है, तो प्रोबेबली 47 समथिंग, तो उसमें कार्ड वगैरह आप लगा के लेंगे तो ये आपको 43 समथिंग में पड़ जाएगा। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा ओवरऑल परफॉर्मेंस और ओवरऑल इफिशेंसी के लिए और फंक्शन के लिए और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। आप इधर देख रहे हैं 10 साल की वारंटी है इससे डायरेक्ट ड्रॉप, और इन्वर्टर है, इन्वर्टर बेस। तो ये इसकी खासियत है इस एलजी की। आप यहाँ देख रहे हैं इधर ट्रू स्ट्रीम स्पार्कलिंग क्लीन डिश डिशेस लेस वाटर स्पॉट्स एलजी का है, और इसमें पानी बहुत कम यूज़ होता है, यही इसकी एक खासियत है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग ऑफ एलजी डिशवाशर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।